इजराइल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को लेबनान की राजधानी बेरूत में बम बरसाकर मार गिराया, लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मच गई है। यहां सैकड़ों लोग आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी जनता सड़कों पर उतर आई, जिनमें महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए जमा हुए क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्ला है और इसराइल को शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हिजबुल्ला चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है, द शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपने एक, आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। हिजबुल्ला जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के कमांडर सईद हसन नसरुल्ला शहीद हो गए। असली हम शहादत वादत से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। वो जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिजिक मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से है और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नसरल्ला की मौत के बाद लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज अपना चुनाव प्रचार अभियान ही रद्द कर दिया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरल्ला के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इसराइल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों को इसराइल को रोकना चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत को उस पर दबाव बनाना चाहिए। हम तो वैसे भी इसराइल की तरफ से जो लगातार पिछले एक साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इसराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार एक साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इसराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, लोगों ने हमास और हिजबुल्ला आतंकियों के पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि हिजबुल्ला चीफ को लेकर इतनी हाय दुहाई आखिर कश्मीर में क्यों मच रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।